नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर हम आपको आए दिन ही लॉकडाउन का नजारा दिखाते हैं। लॉकडाउन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये दिखाते हैं। और साथ ही साथ अभी हमने विगत दिवस आपको ये भी बताया था द्वारा एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा के रविवार को और सख्ती रहेगी। पूर्व में मंगलवार के दिवसों में सख्ती की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि साप्ताहिक बंदी का दिन है तो इस दिन तो पूर्ण रूपेण बंद रखा जाएगा और अब रविवार को ये कहा गया कि रविवार को जो छूट रहती है वो भी नहीं रहेगी। तो आज काफी सख्ती रही है मथुरा में और इस सख्ती की वजह से, लॉकडाउन की सख्ती की वजह से जो लोग हैं वो आवश्यक वस्तुओं के लिए भी तरस गए। दूध, सब्जी आदि वस्तुओं के लिए लोग तरस गए और चूंकि हॉट स्पॉट यहाँ पर कई बना दिए गए हैं, जो शहरी गलियां हैं उनको भी सील कर दिया गया है, इसलिए आज लोग आवश्यक वस्तुओं के लिए तो तरसे ही और अपने आप को उन्होंने ज्यादा कड़ाई में महसूस किया और बंदिश में महसूस किया। आमतौर पर ऐसा होता है कि घरों में जब बैठे बैठे ऊब जाते हैं तो थोड़ा गली में निकल आते हैं, अब तो गली वाली स्थिति भी आज नहीं रही। और क्या कुछ रहा, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी गोपाल जी चतुर्वेदी। गोपाल जी ने आज विभिन्न स्थलों का मौका मुआयना किया है, उनकी नजरों ने क्या देखा है उन्हीं से पूछते हैं। जी गोपाल जी। जी खत्री जी, आज जैसे कि लॉकडाउन के अंतर्गत जो चल रहा था और ये हॉट स्पॉट बनाए हैं, आज मैंने शहर की हॉट स्पॉट के अंदर ही कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और जहां पर लोगों की बातें जानी और बहुत सी समस्याओं को उनको देखा। दरअसल हॉट स्पॉट के चलते जैसा कि प्रशासन का एक डिक्लेरेशन था कि लोगों को होम डिलीवरी सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सही तौर पर ये सब चीजें मुहैया नहीं हो पाई, जिससे लोगों में आज पूरे दिन काफी परेशानी का सामना कराना पड़ा। सही बात यह है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था अक्षय तृतीया, जिसे लेकर हमारे सनातन जो धर्मी हैं इधर के क्षेत्र के लोग, शहर के धार्मिक नगरी होने के नाते लोग जो अपने घरों में पूजन इत्यादि के लिए जो नित्य प्रति की जो चीजें जरूरत की है, जैसे दूध है, सब्जी है, फल है, इस तरह की चीजें जो भी आवश्यक वस्तु है, वो रोज की प्रतिदिन की जो चीजें हैं वो भी नहीं खरीद पाए, उनसे काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर मैंने ये देखा कि लोग जो है बाजारों में क्या गलियों के दरवाजे पर नहीं निकले, उस वजह से भी उनको काफी दिक्कतें हुई। बहुत सी जगह ऐसी थी जो कि बिल्कुल सड़क किनारे थी, जहां लोग अपने दरवाजों पर भी खड़े नहीं हो पाए थे। इतनी जो आज शक्ति का माहौल देखा गया, जिससे लोगों को काफी अगर ये कहें कि परेशानी तो शायद गलत नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ी जो मुझे जहां तक लग रहा है वो ये थी कि स्थिति की प्रशासन को अपनी तरफ से थोड़ा इनके लिए कुछ रियायत करनी थी। जैसा कि लोगों ने मुझे बताया कि उनकी काफी अपेक्षाएं थी कि प्रशासन की तरफ से उनको होम डिलीवरी की जो आश्वासन दिए गए हैं वो शायद पूरे होंगे, लेकिन घनी आबादियों में मैंने जो देखा वो ये था कि वहां पर उनको कई चीजें जो आवश्यक थी, जो कि प्रतिदिन उनको चाहिए थी, जैसे कि दूध है, दूध की सप्लाई के लिए लोग भटकते दिखे आज मुझे, सब्जी के लिए लोग भटकते दिखे। ये ऐसी चीजें कि ज्यादा दिन स्टोरेज नहीं की जा सकती हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को या जिला प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सती जी, ये स्थिति जो पैदा हुई वो हम समझते हैं कि इसलिए हुई कि प्रशासन ने आज आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को नहीं खुलने दिया और जो आवश्यक वस्तुओं को लेकर आ रहे दूधिया आदि लोग बताए गए या होम डिलीवरी करने वाले दुकानदार बताए गए, उनके द्वारा होम डिलीवरी नहीं की गई या कि उनसे लोगों द्वारा होम डिलीवरी किन्हीं वजह से नहीं ली गई। खत्री जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर नागरिकों की तौर पर देखा जाए तो जो दुकान पहले लॉकडाउन में अधिकृत की गई थी उनको लाइसेंस दोबारा से नहीं दिए गए। प्रशासन का कहना, जहां तक मेरी जानकारी है, वो ये आया है कि हॉटस्पॉट वाले जो भी इलाके हैं उनको जो है अब लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उनके लिए सप्लाई गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट के पास होम डिलीवरी का कितना स्टाफ है अब ये अवेलेबल नहीं है। जैसे घनी आबादी के नुक्कड़ पर, जैसे घनी आबादी के बहुत बहुत घनी आबादी के अपने इलाके हैं, मथुरा शहर की जो पुरानी आबादियां हैं जो कि टीलों पर बसी हुई हैं,
उन टीलों की आबादियों में काफी संख्या में लोग रहते हैं, और ये एक जो दायरा है वो 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में सभी बस्तियों के आसपास एक बाजार का बाजार आता है, लगी हुई सीमाओं से बस्तियां बसी हुई हैं। तो उन तक आने तक मान लो जो प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए डोर टू डोर, तो प्रशासन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो जो केवल सड़क किनारे से ही सप्लाई दे जाते हैं। वहाँ कुछ लोग जो है या तो जो वहाँ के जो आगे अग्रिम पंक्ति के लोग हैं उन सब चीजों को ले पाते हैं उसका लाभ, बाकी अन्य के जो लोग हैं जो घनी आबादी में सेंट्रल में रह रहे हैं या पीछे रह जाते हैं उनको वो सारी चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो प्रशासन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जिन्हों को पहले से लॉकडाउन में लाइसेंस दे रखे थे वो लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारा पास उसमें इशू कर दिया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके पास इशू नहीं किए जा रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां भिन्न बन गई हैं, उससे एक अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया और लोग जो परेशानी का उठा रहे हैं उस चीज को लेकर। अव्यवस्था हो गई है थोड़ी सी, और इस अव्यवस्था की वजह से पब्लिक परेशान हो गई है, और जाहिर सी बात है कि जब आवश्यक वस्तुएं भी मिलना बंद हो जाएंगी, अब प्रत्येक व्यक्ति तो कई दिनों की आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर नहीं लेता है, हर एक को ये आदत होती है कि वो सब्जी ताजा ले, दूध तो प्रतिदिन ही लेना पड़ता है। तो इस तरह से अब प्रशासन को देखना होगा कि क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे जनता को दिक्कत भी न हो, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी होती रहे और लॉकडाउन भी चलता रहे, स्वास्थ्य रक्षा भी होती रहे। और आखिर में यही कहेंगे, दुकानदारों से कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं। एक चीज और लोगों की मुझे सबसे बड़ी समस्या आई वो थी दवाई मेडिसिन, जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं उनके मेडिसिन उनको चाहिए होते हैं, तो इसे लेकर भी लोग बड़े परेशान हैं कि बाजार तक वो आ नहीं सकते, हॉटस्पॉट की वजह से उनको बाजार में निकलने नहीं दिया जाता, दवाइयां उनके घर तक कैसे पहुंचे, बहुत से लोग इस बात को लेकर भी परेशान हैं। अच्छा, उस स्थिति में प्रशासन के पास न पर्याप्त स्टाफ है, न पर्याप्त व्यवस्थाएं कि होम टू डोर टू डोर वो सप्लाई को कर सके, तो ऐसे में क्या प्रशासन की रूपरेखाएं समझते पड़े जा रहा है अभी, और इसी लेकर ही लोगों में अनिश्चितता का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आज मेडिकल स्टोर भी नहीं खुले हैं, और मेडिकल स्टोर या कि किराना स्टोर हो, इन सभी से हम ये कह रहे थे, ये बात तो गोपाल जी हम समय समय पर कहते आ रहे हैं, जो चिकित्सीय सेवाएं हैं उन पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं और तमाम बातें हो रही हैं, वो सब लोग देख रहे हैं, उन पर अपनी टिप्पणियां भी दे रहे हैं, अस्पतालों का हाल बेहाल है और जो जनता है वो बहुत परेशान हाल है, वो मेडिकल स्टोरों से भी राहत प्राप्त नहीं कर पा रही है, व्यवसायियों से जो सामग्री आ रही है वो भी उनको सही कीमत पर नहीं मिल पा रही है, कई बार ये होता है कि जो MRP होती है वो काफी अधिक लिखी हुई होती है, तो उस MRP के हिसाब से दुकानदार आजकल चार्ज कर रहे हैं, किसी पैक पर लिखा होता है 135 रुपये जबकि वो होता 95 रुपये का है, तो MRP भी बढ़ी हुई होती है, तो उसका आप 100 रुपये ले लो तो भी चलो सही है, लेकिन आप MRP का ही रेट ले रहे हैं ऐसे समय में, और कोई आपसे 10 रुपये का सामान मंगा रहा है तो भी उससे 20 रुपये आप होम डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, कई लोगों ने समस्याओं को मुझे बताया, और कोई अगर वो किलो के हिसाब से सामान मंगा रहा है तो फिर किलो के हिसाब से आप उसके ऊपर होम डिलीवरी चार्ज लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो ये व्यवसायी बंधु है उनको भी थोड़ा सा कोरोना से डरना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपाधापी में और मुनाफाखोरी में ऊपर वाले की कुदृष्टि उन पर पड़ जाए और भगवान न करे किसी के साथ कोई ऐसी समस्या आए, सभी सकुशल रहे हैं हम यही कामना करते हैं, लेकिन इसके साथ हम उनको थोड़ा सा सचेत करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं कि आपातकाल के इस समय में तो कम से कम मानवता का परिचय दें और दानवता से दूर रहें, अगर मानवता का परिचय न दे सकें तो दानवता से तो दूर रहें, बस अब हम और क्या कहें, सब कुछ कह दिया है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, और आगे जो व्यवस्थाएं देखनी है वो प्रशासन को देखनी है, मशीनरी को देखनी है, इस मध्य मौसम भी अपना मिजाज लगातार बदल रहा है, आज शाम को बारिश भी आ गई है, पिछले 2-1 दिनों से
रिमझिम रिमझिम बूंदे एक दो पड़ रही थी, आज बारिश भी हो गई है, हवा भी चल गई है और आंधी भी थोड़ी देर के लिए चली है। अब देखते हैं आगे कोरोना के आपातकाल के दौरान क्या क्या मंजर सामने आते हैं।